में चौंकाने वाली गिरफ्तारी। बेंगलुरु से हिरासत में लिया गया पुलिस अधिकारी का इंजीनियर बेटा। यूपी में भी एक शख्स से सवाल जवाब। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैन्सी वाजपेयी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। संसद सुरक्षा चूक के मामले में हर दिन कोई न कोई खुलासा हो रहा है, चौंकाने वाली गिरफ्तारियां हो रही हैं। इसी क्रम में एक ऐसी गिरफ्तारी हुई है जिसने सभी को चौंका दिया है। दरअसल संसद सुरक्षा चूक के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने बेंगलोर से एक इंजीनियर को हिरासत में लिया है। उसके पिता पुलिस ऑफिसर हैं। यूपी में भी एक शख्स से पूछताछ हुई है। बता दें कि संसद कांड में गिरफ्तार किए गए आरोपियों से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने आमने सामने बैठाकर पूछताछ की है। इन आरोपियों के बयान और निशानदेही के आधार पर देश के अलग अलग हिस्सों में से दो और लोगों से सवाल जवाब हुए हैं। इस पूछताछ के आधार पर पुलिस ने बेंगलोर के एक इंजीनियर को हिरासत में ले लिया है, जबकि उत्तर प्रदेश के जालौन में भी एक शख्स से लंबी पूछताछ की गई है। अब ये दोनों संदिग्ध हैं कौन, उनके बारे में भी हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने कर्नाटक के बागलकोट शहर से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हिरासत में लिया है। उसका नाम साई कृष्णा है। उसके पिता टॉप पुलिस ऑफिसर हैं। साई मनोरंजन का दोस्त बताया जा रहा है। बुधवार देर रात तक पुलिस ने उससे पूछताछ की, जिसके बाद हिरासत में लेकर उसे दिल्ली लाया जा रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जालौन से भी एक संदिग्ध को पकड़ा गया है। उसका नाम अतुल कुलश्रेष्ठ बताया जा रहा है, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। अतुल कुलश्रेष्ठ 50 साल की उम्र का है और बेरोजगार है। दोनों के बयान रिकॉर्ड किए गए हैं और संसद मामले में उनकी संलिप्तता की जांच की जा रही है। सुरक्षा में सेंध लगाने के मामले में इनकी कोई भूमिका थी या नहीं, इस बारे में भी पता लगाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक अभी तक की गई पूछताछ में पता चला है कि आरोपी सुरक्षा में सेंध की योजना बनाने के लिए सिग्नल ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे। पिछले साल कर्नाटक के मैसूर में ये सभी मिले थे। एक अधिकारी ने बताया है कि मैसूर के रहने वाले मनोरंजन ने पांचों का यात्रा खर्च उठाया था। पुलिस इन चार आरोपियों के फर्जी सिम कार्ड प्राप्त करने की कोशिश कर रही है, जिनके मोबाइल फोन राजस्थान में झा और कुमावत द्वारा कथित तौर पर नष्ट कर दिए गए थे। बता दें कि 13 दिसंबर को लोकसभा में दो लोग सागर शर्मा और मनोरंजन डी शून्यकाल के दौरान दर्शक दीर्घा से सदन कक्ष में कूद गए थे और इस दौरान केन से पीला धुआं उन्होंने सदन में छोड़ा और नारे लगाए। दोनों को बाद में कुछ सांसदों ने पकड़ लिया और पीटा। इसी समय पर संसद भवन परिसर के बाहर दो लोगों अमोल शिंदे और नीलम देवी ने तानाशाही नहीं चलेगी की नारे लगाते हुए कलर बॉम्ब से रंगीन धुआं छोड़ते हुए प्रदर्शन किया था। इन चारों आरोपियों के अलावा पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता ललित झा और महेश कुमावत को भी गिरफ्तार कर लिया है। इन सभी आरोपियों से गहनता के साथ पूछताछ की जा रही है, जिसके बाद सवाल यही उठ रहा है कि संसद कांड के आखिर कितने किरदार हैं। बहरहाल रिपोर्ट में बस इतना ही। संसद कांड से जुड़े सभी बड़े अपडेट्स आप देखते रहें एबीपी लाइव पर।